أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بار الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في موكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة। खुदावंद आलम ने अपनी नेमतों का तस्करा किया है कि हमने इंसान को क्या क्या नेमतें दी। हमने उसे आँखें दी, हमने उसे हिदायत दी, हमने उसे ज़बान दी, हमने उसे होंठ दिए, हमने जो है वो उसको बहुत ही नेमतों से नवाजा। अब इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को ये करना चाहिए कि वो खुदा को पहचाने और खुदावंद आलम ने जो शरीयत बताई है उस पर अमल करे और उसकी मशक्क़त को उठाए और ये जो इम्तिहान है इसको पास करे, वाजिबात को अंजाम दे, मुहर्रमात से दूरी करे। लिहाजा 11वीं नंबर की आयत में खुदावंद आलम फरमाता है फलक तहमल अकबा। तो ये इंसान जो नाशुकरापन करता है और खुदा से दूरी करता है, ये इस अकबा से नहीं गुज़रता। अकबा यानी एक सख्त जगह जहाँ से गुज़रा जाए, इख्तिहाम कहते हैं गुज़रने को। सख्त जगह से गुज़रना जो है वो इम्तिहान है इस इंसान का, यानी शरीयत के मुताबिक अमल करना, वाजिबात पर अमल करना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, अमर अलमारूफ नहीं अज़ मुनकर, ठीक है, खुलासे ये कि बुराइयों को छोड़ना। ये एक सख्त घाटी है, एक सख्त खाई है जिससे उबूर करना है इंसान को, और इससे उबूर जो है वो क्या कहते हैं अमल साले से होता है। लिहाजा खुदावंद मुचाल तौबीख करता है, मजम्मत करता है कि ये इंसान जो है वो इस घाटी से क्यों नहीं उबूर करता। फलक तहमल अकबा वमा अदरा कमल अकबा, और ये घाटी जिससे उबूर करना है तुम्हें क्या मालूम ये क्या है? इससे जो है वो लोग उबूर कर सकेंगे जिनके आमाल साले हैं, जिनका जो है नाम आमाल हल्का है, खफीफ है, यानी उसमें गुनाह नहीं है। वो जो गुनाहों का बार और गुनाहों की क्या कहते हैं टोकरी लिए हुए हैं और जो संगीन है जिसमें वज़न ज़्यादा है, वो जो है आदमी आप पता है कि पहाड़ों के अंदर जो खाइयाँ होती हैं उनको उबूर नहीं कर सकते लोग जिनके ऊपर जो है वो ज़्यादा वज़न लदा हुआ हो। तो क्या करें, वो वज़न उतारें ताकि उबूर कर सकें। यहाँ पर मुराद ये है कि इंसान को अच्छाइयाँ अंजाम देनी चाहिए तो वो घाटी से इस खाई से बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा, यानी जन्नत तक जाने के लिए उसे मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर उसके आमाल ख़राब हैं तो वो उस घाटी में गुम हो जाएगा। इसी तरह से पुल सरात की बात आई है, पुल सरात से वो लोग जो इनके आमाल अच्छे हैं वो गुज़र जाएंगे, तेज़ी से गुज़र जाएंगे, लेकिन जिनके आमाल सही नहीं है वो मुश्किल से गुज़रेंगे, बल्कि शायद गिर जाएं उसके अंदर। लिहाजा खुदावंद आलम फरमाता है 12वीं आयत में वमा अदरा कमल अकबा, तुमको क्या पता ये जो अकबा है, इम्तिहान जिससे लिया जा रहा है शरीयत, तुम्हें ये क्या पता क्या है?
फिर 13वीं आयत में खुदावंद मुताल तफसील बयान करना शुरू करता है, कुछ चीज़ें बयान करता है कि ये शरीयत का हिस्सा है, इसको अंजाम दोगे तो तुम्हें निजात मिलेगी। उनमें से एक क्या है, फक को रकाबा, रकाबा यानी ग़ुलाम, फक यानी आज़ाद करना, यानी इंसान जो है वो ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिए कोशिश करे, चाहे कुछ माल मिलाए, चाहे पूरा आज़ाद करे, चाहे शरीक हो। खुलासा ये कि ग़ुलाम आज़ाद करना जो है वो शरीयत का एक हुक्म है, मुख्तलिफ मकामात पर कफ़ारे के तौर पर जो है उसको वाजिब किया गया है ताकि वो आज़ाद हो, और इस तरह से आज़ादी जो है वो मैसर आए उनको। रोज़े का कफ़ारा है, कत्ल का कफ़ारा है, तो वो मुस्तहब है कि इंसान जो है वो कोई गुनाह ना करे, तब भी अगर किसी ग़ुलाम को आज़ाद करे तो ये सवाब का काम है, और ये इंसान को जो है रोज़ क़यामत इस घाटी से बहुत तेज़ी से गुजारेगा। या औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, या फिर जो है वो इंसान खाना खिलाए भूखों को, जो लोग भूखे हैं, ठीक है, ज़ी मसग़बा यानी कहत है, खुशसाली है, भूखे हैं लोग, खाने को नहीं है, ज़रूरी नहीं है कहत हो, आम तौर पे भी कहीं पर अगर खाने को नहीं है तो खाना पहुंचाना, राशन देना, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है, भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, तो इससे खुदा जो है वो खुश होता है, राज़ी होता है, खुदा जो है वो ऐसे इंसानों पर लुत्फ़ व करम करता है। लिहाजा उसने ये हुक्म दिया है कि अगर कोई इस घाटी के इम्तिहान से, इस शरीयत के इम्तिहान से पास होना चाहता है तो वो ग़ुलाम आज़ाद करे, वो भूखों को खाना खिलाए, उस दिन जिस दिन खाना ना मिल रहा हो उस दिन खाना खिलाए लोगों को। और 15वीं आयत में खुदावंद आलम फरमाता है, यतीमन ज़ा मक़रबा, और ऐसे यतीम को जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें, उनके साथ जो है वो नेकी करे, और उनको भी जो है रिश्तेदारों में से किसी यतीम को यतीम परवरी करे, खाना खिलाए, उसके सर पे हाथ रखे। परवरिश यतीम जो है ये इसका एक मौजू है जो बहुत रिवायात में आया है। रसूल गिरामी फरमाते हैं कि काफिलुल यतीम, यतीम की किफालत करने वाला या परवरिश करने वाला या उसकी देखभाल करने वाला, उसको परवान चढ़ाने वाला शख्स, मईफिल जन्ना, वो मेरे साथ होगा जन्नत में, मेरे कमरे में रहेगा। बस यतीम की कफालत जो है वो इस क़दर खुदावंद मुताल को पसंद है कि रसूल गिरामी फरमाते हैं कि अगर कोई ये काम करेगा, यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, उसके साथ शफ़क़त करेगा, उसकी मदद करेगा ताकि वो परवरिश पा के अपने पाँव पर खड़ा हो, तो रसूल गिरामी ऐसे शख्स को अपने हुजरे में, अपने कमरे में, जन्नत में रखेंगे। बस अगर कोई इन नेक कामों को अंजाम दे तो वो इस अकबा को और इस सख्त घाटी को और इस सख्त मरहले को, इस सख्त इम्तिहान को पास करेगा। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या ऐसे मिस्कीन के सर पर हाथ रखे जो ज़मीनगीर है, ज़ा मतरबा है, ज़मीनगीर है यानी बिल्कुल जो है वो माली एतबार से कोई उसका जो है वो यानी ज़मीन पर, खाक पर बैठा हुआ है, तो
खाक पर बैठे हुए मिस्कीन को जो है वो इंसान खाना खिलाए, उसको जो है वो देखभाल करे, उसकी इमदाद करे, उसको मदद दे। तो ये वो काम है जिनके ज़रिए जो है वो इंसान अच्छे, ये बेनवाने मिसाल आए हैं शरीयत में जो भी काम है ऐसे, नमाज, रोज़ा और वाजिबात या मुस्तहबात, ठीक है, वो इंसान को इन मकामात तक पहुंचाते हैं। खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें इन अहकाम पर अमल करने और निजात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।